कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 हम इसका 15वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, इसको ध्यान से सुनिए। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार से है। पहले दिन की देरी के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। तो जुर्माना है वो ऐसे लगेगा, अगर आप एक दिन लेट करेंगे काम को तो 200 रुपये, दूसरे दिन आपका जुर्माना हो जाएगा 250 रुपये, तीसरे दिन आपका जुर्माना हो जाएगा 300 रुपये, आगे बढ़ता रहेगा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, यानी पिछले दिन से 50 अधिक। ये 50 क्या आ गया? डी आ गया, ठीक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करेगा? तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ए है पहली संख्या, पहला पद वो है 200, बी है दूसरे पद से 50 पहला पद, डी है दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, यानी 250 में से 200 माइनस कर दो, हो गया 50। और क्योंकि बोला गया कि 30 दिनों के विलंब पर कितना जुर्माना आएगा, इसका मतलब एन है, तो 30 दिनों में कितना जुर्माना होगा, क्या निकालना चाहिए हमें? एस एन या ए एन? पहले दिन के लिए इतना जुर्माना है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए इतना। मान लीजिए कोई यहाँ पर 4 दिन का विलंब करता है तो उसको ये 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 और ये चारों दिन है ना, तो इसका मतलब एस एन हम निकालेंगे, वे हो जाएगा एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 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 के बराबर। एस 30 हमें निकाल देना है, वो हो जाएगा 30 बटा 2 इंटू 2 इंटू k, ये इतना है 200 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी इतना है 50। इसे हम हल करेंगे, 30 से 200 कट, 2 कट जाएगा 15, तो ये आ गया 15। एस 30 15 गुना 2 गुना 200 प्लस 30 में से एक निकालूंगा 29, 29 को 50 से गुना करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मुश्किल है। अब आप ध्यान से देखिए, फिर से मैं फिर वही चीज करूंगा, 50 को 30 से गुना कर दूंगा, 50 गुना 30, 5 लिए 15 और पीछे 2 0 1500, 50 को 1 से गुना कर दिया 50, इसका मतलब 1500 में से 50 माइनस कर दो तो वो आ गया 50। ये समझ आया आपको? यस सर। इससे मेरी जो कैलकुलेशन है थोड़ी फास्ट हो गई और इजी हो गई, ठीक है बच्चों। तो मैंने 50 को पहले 30 से गुना कर दिया, अपने मन में रख लिया 1500, फिर 50 को 1 से गुना कर दिया 50, 1500 में से 50 माइनस कर दिया, हुआ गया 1400। अब S30 कितना हो गया? ये 15 गुना 1450 में 400 प्लस कर दो तो ये आ गया 1850। तो S30 कितना आ गया? 15 को इससे गुना करना है, यदि आपको 15 का पहाड़ा आता है तो ये गुना यही हो जाएगी, अदरवाइज हम अलग से गुना करके देख सकते हैं। देखिए 15 को 0 से गुना करिया 0, 15 पांच 75 हासिल आया 7, 15 8 120, 120 में 7 प्लस कर दिया 127, 7 लिख दिया 12 हासिल, 15 एकम 15 और 12 27, इसका मतलब एस 30 आ गया 27,750 रुपये। इसका मतलब यदि कोई ठेकेदार किसी काम को 30 दिन विलंब से करेगा तो उसको 27,750 रुपये कुल फाइन देना पड़ेगा। तो प्रश्न था, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, तो हम लिख देते हैं कुल जुर्माना राशि बराबर 27,750, और क्योंकि ये जुर्माना है तो रुपयों में है तो इसका उत्तर है 27,750 रुपये।